नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक वॉकलोन स्टडीज़ के ऊपर तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज एच पी टेट नॉन नॉन मेडिकल का एग्जाम था तो चलिए उसकी आंसर की डिस्कस करते हैं तो चलिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ फोर्टी नाइन डिग्री तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वेन ए डाई इज थ्रोन द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी ट्वेंटी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला प्रश्न है आप हमारे पास छप्पन सौ रुपये का दो वर्ष पश्चात कि, किस दर से दो सौ अस्सी रुपए साधारण ब्याज दे होगा तो इसका राइट आंसर है का ऑप्शन सी टू पॉइंट हमारा अगला प्रश्न थ्री फोर थ्री जीरो 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 स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस इक्वेशन को तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर नाइंटी सेवन फॉर्मूला फॉर एनी इज़ तो इसका राइट right आंसर है नाइंटी सेवंथ का ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर द एरिया ऑफ ए हूज डाइगनल्स आर ऑफ लेंथ टेन सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है वो सही है अगला प्रश्न है हमारा इफ ट्वेंटी वन वाई फाइव इज ए मल्टीपल ऑफ नाइन वेयर वाई इज ए डिजिट वट इज द वैल्यू ऑफ वाई तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए हमारा अगला प्रश्न एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा अगला प्रश्न फोर पॉइंट टू थ्री पॉइंट एट एंड सेवन पॉइंट सिक्स की औसत याद कीजिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन जीरो टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स सेवनटीन एटीन ट्वेंटी एंड थर्टी फाइव तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर द सम ऑफ थ्री टाइम्स ए नंबर एंड इलेवन इज थर्टी टू फाइंड द नंबर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ तो वन जीरो फोर का राइट आंसर है ऑप्शन ए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वन ज़ीरो फाइव विच इज़ ग्रेटर थ्री पॉइंट थ्री और थ्री पॉइंट थ्री जीरो ज़ीरो तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी बोथ आर सेम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर uh, एक आयत का परिमाप तेरह सेंटीमीटर है और चौड़ाई दो से ही तीन बटे चार सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर तो वन ज़ीरो सेवन है तो इस प्रश्न का राइट right आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो एट तो वन जीरो एट का राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है यदि ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और ए सी इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर तो बी सी क्या है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वन जीरो टेन वन जीरो टेन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी अगला है हमारा क्वेश्चन एक सौ ग्यारह वेन ए सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच एंगल ऑफ देम इज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन एक्ूट एंगल चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर फाइंड द मोड ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन इन द फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फोर्टी फाइव डिग्री ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक सौ पंद्रवा विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ई स्टैंड मेक वन बाई टू ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास एक सौ सोलवा तो एक सौ सोलह का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास वन वन सेवन द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज सेवन सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज़ नाइन सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्क्वेयर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास वन वन एट तो वन वन एट का राइट आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट है हमारे पास वन वन नाइन कन्वर्ट रेशो थ्री टू फोर टू परसेंटेज तो वन वन नाइन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट चलते हैं द रेशो ऑफ नाइन्टी सेंटीमीटर टू वन पॉइंट फाइव मीटर इज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए तो दोस्तों ये था हमारा मैथ्स का सेक्शन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी धन्यवाद